नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 292 और गूगल शीट के लेक्चर नंबर 23 में हम देखेंगे पाइवट टेबल के बारे में, और ये पाइवट टेबल का पांचवा पार्ट है। और ये पार्ट में हम कैलकुलेटर फील्ड कैसे यूज करने वाले है वो देखने वाले है। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते है। फ्रेंड्स ये है गूगल शीट, और गूगल शीट में मेरे पास थोड़ा छोटा सा एक सेल्स डेटा है जो हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस है, मेरे पास क्वांटिटी है और टोटल प्राइस है यहाँ हमारे पास, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है और डिस्काउंट भी नहीं है। लेकिन अगर मुझे पाइवट टेबल में इन दैट टाइम चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, तो वो आपको पता है। सबसे पहले हम पाइवट टेबल ऐड करने वाले हैं, तो सबसे पहले पाइवट टेबल में जाएंगे। और पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करना है वो सारी बातें मैंने अगले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला हूँ, सीधा पाइवट टेबल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पर स्टेट, और स्टेट के साथ मुझे वैल्यू के तौर पे चाहिए अभी टोटल प्राइस, यानी टोटल। चलो ये मुझे स्टेट वाइज मुझे मिल चुके, लेकिन मुझे चाहिए स्टेट वाइज टोटल प्राइस, और उसके पास चाहिए मुझे डिस्काउंट 10% एंड डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए। तो ये मेरे डेटा में नहीं है, लेकिन मैं यह बना सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ एक सैंपल तौर पर, यहाँ से सबसे पहले जाएंगे एड वैल्यू में, एड करेंगे, एड में मुझे कैलकुलेटर फील्ड सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स एक बात ख्याल रहे, फील्ड कैलकुलेटर फील्ड में आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, कौन लॉजिक आपको लगाना है, आपको डेटा में कौन सी किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है वो आपको पता है। मैं यहाँ सिर्फ दिखा रहा हूँ एक सैंपल तौर पर कि इस तरह से कर सकते हैं। चलो यहाँ से कैलकुलेटर फील्ड का नेम यहाँ से हम चेंज करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे डिस्काउंट। चलो ये डिस्काउंट हुआ। अब यहाँ 0-0 है, तो यहाँ मेरे पास यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ समराइज बाय सम और शो एज बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ सम और कस्टम भी रख सकते हो और यहाँ डिफॉल्ट भी चेंज कर सकते हो। सबसे पहले हम सम और डिफॉल्ट रख के यहाँ से सिंपल सी फॉर्मूला लगाते हैं। मुझे क्या करना है, ये जो मेरी टोटल नाम की कॉलम है फ्रेंड्स, यहाँ याद रहे आपको कॉलम का नेम लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने टोटल लिखा, तो ये जो टोटल की कॉलम थी वही मेरे पास यहाँ पर दिख रही है। अब टोटल में से मुझे इनटू करना है 10%, मैंने इस तरह से इनटू 10% कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे अप्लाई हो जाएगी। देखो यहाँ पर यह 10% वाली मुझे यहाँ पर मिल चुके, लेकिन बहुत सारे हैं, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखूंगा राउंड फंक्शन यूज करूंगा, और राउंड फंक्शन में यहाँ से 2 डेसिमल तक चलाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 डेसिमल के तौर पे मुझे ये डिस्काउंट प्राइस मिल गई। अभी और एक कॉलम मुझे ऐड करना है, यहाँ सम ये टोटल है, टोटल ये मेरे पास डिस्काउंट है, और डिस्काउंट में से मुझे टोटल निकालना है। तो याद रहे ये फॉर्मूला मुझे फिर से यूज करनी होगी, इसलिए मैं ये फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूँ। अब मेरे पास वैल्यू में क्या है, टोटल डिस्काउंट है, और एक वैल्यू ऐड करना चाहूंगा कैलकुलेटर फील्ड, और वहां पर यह जो नई फील्ड है वहां पर मैं लिखूंगा ग्रोस टोट, ठीक है। टोटल प्राइस कितना, डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है, मैं यहाँ पर लिखने वाला, अभी तो 0 है। तो मुझे फॉर्मूला यहाँ पर लगानी है क्या, यहाँ से मुझे सिर्फ टोटल, टोटल में से माइनस करना है। अब आप ये डिस्काउंट नाम की कॉलम जो यहाँ पर है ना वो नहीं लिख सकते, याद रहे वो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो डिस्काउंट नहीं लिखना है, लेकिन डिस्काउंट के लिए आपने जो फॉर्मूला लगाई थी राउंड वाली, ये फॉर्मूला लगकर एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देखो ये में से ये माइनस होकर यहाँ पर हमें ग्रोस मिल चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कैलकुलेटर फील्ड का यूज कर सकते हो। अब और एक दूसरी चीज समझ लो, मैंने यहाँ से ये डिस्काउंट वाली कॉलम भी यहाँ से रिमूव कर दी, मेरे पास यहाँ टोटल है। तो फ्रेंड्स यही चीज अगर मैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ मैं कैलकुलेटर फील्ड एड कर रहा हूँ, और ये जो यहाँ पर है वहां पर हम लिख लेंगे डिस्काउंट ही रखेंगे। चलो हम यहां से यही रखा समझ लो, लेकिन मुझे यहाँ पर सम नहीं, मुझे कस्टम अगर फील्ड यूज करना है, अगर कस्टम करना है तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे यही करना होगा। सबसे पहले मुझे सम फंक्शन यूज करना होगा, और सम फंक्शन किसका सम करना है वो यहाँ पर लिखना होगा।
जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टोटल प्राइस का मैंने सम कर दिया, ठीक है। तो आप देखो वही चीज यहाँ पर हुई। अब मुझे वहां से उनमें से माइनस करना है, क्या करना है, माइनस मुझे 100 या तो 75 करना है। तो इस तरह से 75 और एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखो ये हो सकता है, ठीक है। और कस्टम के साथ अगर परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल आपने कर दिया तो यहाँ वही परसेंटेज ग्रैंड टोटल के साथ आपको मिल सकता है। तो कस्टम में यूज करना हो तो आपको फंक्शन यहाँ लिखना होगा और फंक्शन के भीतर आपको ये कॉलम के नेम यहाँ पर लिखना है। समझ लो यहाँ से मैंने 75 माइनस किया हुआ था, लेकिन टोटल जो यहाँ पर है सम किया है उनका वो ये टोटल सम है, मैं इतना ही रखता हूँ और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, यहां से अगर ग्रैंड टोटल इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हो कि ये आपको इनके टोटल के वाइज आपको परसेंटेज भी यहां मिल चुके हैं। तो फिर फर्क इतना है कि अगर आपको कस्टम यूज करना है तो जितने जो भी यहाँ फंक्शन यूज है फंक्शन के भीतर कॉलम के नाम यूज करना है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा एक तरीका था कि कैलकुलेटर फील्ड क्या हो और कैसे यूज करना है। अब लॉजिक आपको लगाना है कि किस तरह से आपको डेटा चाहिए और किस तरह से आपको वहां पर लिखना है। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डीजी क्लास, गुड बाय।